किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि काम मेहनत ना करने के बावजूद भी पैसा आए। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आज की छोटी सी कहानी इसी पे डिपेंड है। किसी गांव में एक बहुत ही पुराना गांव था और किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, एक राम और एक श्याम। राम जो था तो थोड़ा दुबला पतला था और श्याम थोड़ा हट्टा कट्टा था। तो दोस्तों, उस गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस गांव में पानी की बहुत समस्या थी। तो लोग पानी के लिए पहाड़ी पर काफ़ी दूर जाते थे और वहाँ से भर के लाते थे। तो ऐसी समस्या थी, इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी लोग बहुत ही दुखी थे। तो एक दिन की बात है दोस्तों, वो राम और श्याम बहुत ही सीधे सिंपल से बच्चे थे। तो एक दिन वो गांव से अपने टहलते टहलते बहुत दूर तक चले गए। तो जब शाम को उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, देखा उन्होंने कि दो लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी, एक दूसरे के बाल नोच रही थी, मारी मारा कर रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि कुछ नहीं भैया, हम पानी लेकर के वहाँ इतनी दूर से पहाड़ी से आए और इसने मेरा पानी ना दिया, इस वजह से झगड़ा हुआ। किसी तरह से राम और श्याम ने उनको मिल करके शांत कराया, लेकिन उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम बैठ गई दिमाग में कि यार पानी की समस्या कैसे दूर हो। तो उन्होंने क्या किया कि दो चार गाँव के लोगों को बुला करके गाँव के प्रधान के पास, मतलब एक सरपंच के पास में गए और एक बैठक की। तो उनसे सलाह लेने लगे कि सर, सरपंच जी या प्रधान जी, ये समस्या कैसे हल हो। तो उन्होंने कहा देखिए, मेरे पास एक रास्ता है, अगर आप लोग उस बात पे सहमत हैं तो एक छोटा सा रास्ता है। तो उन्होंने गांव में ये ऐलान कर दिया कि उस पहाड़ी से जो भी इंसान एक बाल्टी पानी लेकर के आएगा तो उस एक बाल्टी की पानी की कीमत उसको 10 रुपये दी जाएगी। तो राम और श्याम उन्होंने सोचा कि यार फ्री में तो हम लोग फालतू में तो इधर से उधर घूमते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों लोग मिलकर यही काम कर लेते हैं। इस तरह से क्या होगा कि हमारी जेब का खर्च भी निकलेगा और पैसे भी आएंगे, दुख मुसीबत में हमारे काम आएंगे। तो इसी बात को लेकर के वो पहाड़ी पे जाते एक एक बाल्टी लेकर के और दिन भर पानी भरते। तो पानी भरते भरते दो तीन दिन जब गुजर गए तो राम ने श्याम से कहा, श्याम एक काम, ये मैं बाप से बोलना चाहता हूँ कि ये जो जब तक हमारे पैरों में हाथ पैर में ताकत है, दम है, तब तक तो हम पानी भर भर के लाते हैं और इससे हमको 4 पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं यार दुबला पतला हूँ, अगर जिस दिन हम बीमार पड़ गए या हमें कोई बीमारी हो गई या हमारे हाथों पैरों में ताकत नहीं रह गई, उस दिन हम क्या करेंगे, तो हमारे पास पैसा होगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा हो गया। तो उसके बाद में श्याम अपने रास्ते चला गया, राम अपने रास्ते चला गया। लेकिन राम दिन भर बेचारा, रात भर वो अपने दिमाग में एक ही बात को सोचता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि बैठे बैठे भी पैसा आए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया आइडिया ये था, उसने सोचा कि अगर ये पहाड़ से लेकर के गांव तक अगर एक पाइपलाइन बिछा दी जाए तो अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई समस्या हो जाएगी तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, इस तरह से मैं गांव वालों को पानी दे सकूंगा, उसका पैसा लूंगा, तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसने ये तरकीब श्याम को बताई। जब श्याम को उसने तरकीब बताई तो श्याम ने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन समस्या ये है कि पैसे कहाँ हैं, इसके लिए दोस्त ये दिमाग से बात निकाल दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो पानी भर के लाते हैं, कुएं में डालते हैं, इसी से गाँव वाले ले लेंगे, हमको भी 10 रुपये बाल्टी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से श्याम जो था वो तो अपने रास्ते से निकल गया, लेकिन राम के दिमाग में अभी भी ये बात घर घर गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि जो मुझे बैठने के बाद भी पैसे मिले, क्योंकि हाथ पैर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए, इसके लिए वो ऐसा सोचता रहा। तो उस योग गया सरपंच जी से बोला जा करके, सरपंच जी से बोलता है सर अगर ऐसे मेरे पास तरकीब है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो मैं पाइपलाइन की कोशिश करते हैं हम लोग। तो उसने कहा देखो राम, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा पहले हो सकता तो यार मैं करा नहीं देता इस बात को। देखो तुम्हारा दोस्त जो है ना श्याम, वो भी देखो पानी भर भर के लाता है, जाओ अपने रास्ते अपना काम करो। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसका जो ये विश्वास था वो अभी टूटा नहीं था। राम ने अपने अंदर फैसला किया, जब उसने किसी ने उसका मदद नहीं किया तो उसने अंदर एक फैसला किया कि ये काम मैं करूँगा, और ये काम मैं कैसे करूँगा, मैं दिन भर पानी की बाल्टियाँ भरूँगा, जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से मैं अपना खर्चा भी चलाऊँगा, ठीक उसके बावजूद मैं उसका आधा पैसा बचाऊँगा, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मैं पाइपलाइन डाल सकूँगा। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय गुजर गया, 2-4 साल गुजर गए। 2-4 साल के अंदर वो जो श्याम था उसका दोस्त, वो श्याम तो हट्टा कट्टा तो था ही, तो उसने ये पैसा कमा कमा करके एक बाइक भी ले लिया, एक अच्छा सा घर भी बनवा दिया, और उसी जगह पे पूरे सारे गांव वाले राम के ऊपर हंसते थे कि ये देखो कुछ नहीं कर पाया अभी तक, ये जहां था आज भी वहीं रह गया। लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था, वो ये सोचता था कि मैं पाइपलाइन ही डालूंगा, क्योंकि वो आगे की सोचता था अपने भविष्य की। लेकिन श्याम सिर्फ सोचता था कि मैं जब तक कमा रहा हूँ बस अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, उसने पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि वो पाइपलाइन डाल पर का।
तो बेचारा वो रात को जाता, दिन भर तो बाल्टियां ढोता और लेकिन रात में जाता खुदाई करता। ऐसे करते करते उसने पाइपलाइन की भी व्यवस्था कर ली। जब पाइपलाइन उसने डाल लिया, एक दिन अपने घर में आया, टोटी चालू किया, गांव वालों को पानी देना चालू किया। तो जब गांव वालों ने देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये काम इतना अच्छा कैसे कर दिया। सरपंच ने देखा तो उसने भी कहा, वाह राम, आज तुमने वो कर दिखाया जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी जिसको। तो ऐसा हो गया दोस्तों, उधर श्याम की तबीयत बिगड़ गई। अब श्याम की जब तबीयत बिगड़ गई तो बाल्टी लेके आने वाला नहीं बचा, इसके लिए उसका 10 रुपये का नुकसान भी होने लगा। अब वो भूखे प्यासे रहने लगा, लेकिन राम की ये तरकीब काम कर गई और इस तरकीब से, उस सप्लाई की वजह से, पाइपलाइन से डायरेक्ट वो पहाड़ी से पानी आता राम के घर में और वो नल टोटी ऐसे चालू करता और गांव वालों उसके पैसा लेता। तो दोस्तों इस बात से सिर्फ इतना ही आपको समझ में आया होगा कि कभी भी ना, जब तक हमारे हाथों पैरों में ताकत है, दम है, तब तक तो हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मजदूरी मत कीजिए, मजदूरी के साथ साथ आगे का भी सोचिए कि आज तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे हाथों पैरों में ताकत है, लेकिन आगे का क्या होगा। क्योंकि ऐसा ही अडानी जी ने भी किया, एक पाइपलाइन डाल दी दोस्तों और आज देखो बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। ऐसा अंबानी जी ने भी किया, एक छोटा सा सिम जियो का चालू किया, उसी सिम को लोगों ने खरीदा, आज वो बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ सोचिए, आगे का सोचिए कि आज अपने हाथों पैरों में ताकत तो है लेकिन कुछ आगे का सोचिए जिससे कि आपकी पाइपलाइन बन जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।